आज मैं आपको ये दो जोकर बनाने बताने वाली हूँ कैसे बनाना है। बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और वो बहुत बड़ा देख सकते हैं आप, ट्रे लेके जा रहे हैं ऐसा ये ड्राइंग है, बहुत ही क्यूट लग रहा है। तो चलो अभी हम ये शुरू करेंगे। उसके लिए देखिए, और हमेशा की तरह पेंसिल और इरेज़र साथ रखिए, और जब भी ड्राइंग हम बनाएंगे तभी ये पक्का ध्यान रखिएगा कि हमें एकदम से दबा के पेंसिल से ड्राइंग कभी भी नहीं बनाना है, नहीं तो हमारी कॉपी भी ख़राब हो जाती है और कभी-कभी फिर इरेज़ करते वक्त पेज भी फट जाता है। तो देखिए, पहले हम इसकी कैप बनाएंगे। एक जो पहला जोकर है उसकी हम कैप बनाएंगे। उसके लिए देखिए, ये ऐसे बनाना है हमें। मैं पूरा आपको ये निकाल के दिखाने वाली हूँ, और फिर उसके बाद जो बीच के फ्रूट्स हैं उसमें कैसे शेडिंग करना है वो बताने वाली हूँ। तो पहले अभी हम ये एक जोकर कंप्लीट करेंगे। देखिए, उसकी हैट हो गई, कैप हो गई, उसके बाद उसके बाल, उसका नाक, और फिर ये मुंह निकाल लिया है। उसकी आंखें निकालनी है हमें। एक तरफ से दिख रहा है इसलिए एक ही आँख दिखेगी। उसके बाद उसके जो कपड़े हैं वो फ्रिल है, वो फ्रिल पहले बनाएंगे हम, और उसके बाद उसके हाथ बनाएंगे, फिर उसके नीचे का जो शर्ट जैसा है बीच का वो बनाएंगे। देखिए, वहाँ से पहले उसके हाथ निकाल लेंगे हम, और फिर नीचे का बनाएंगे, पैर बनाएंगे। ये हाथ उंगलियां हमें एकदम बराबर बनानी है, यानी उसने ट्रे पकड़ा है नीचे से ऐसे दिखाना है, इसलिए उंगलियां एकदम, देखिए एकदम बराबर निकालिए। अभी ये हो गया है हमारे हाथ। अभी हम नीचे के पैर, एक सी पैर निकालेंगे। उसके पहले उसके कपड़ों में नीचे भी फ्रिल है, हाँ वो फ्रिल अभी हमने निकाल ली है। अभी उसके पैर निकालेंगे, पैर में बहुत बड़े बड़े जूते हैं उसके, वो भी निकालना है हमें। देख सकते हैं आप, ये जूते निकाल रही हूँ मैं। एक पैर ऐसा है सीधा और एक पैर पीछे है, वो चल रहा है, इसलिए ऐसे दो पैर हमें निकालने हैं। तो अभी ये दूसरा पैर भी आ जाएगा। देखिए, ये हमारा दूसरा पैर भी हो चुका है। एक्स्ट्रा जो लाइंस है वो बाद में इरेजर से हम इरेज कर देंगे। देखिए, ये मुझे थोड़ा पैर सीधा लग रहा था, इसलिए मैंने फिर से इरेज करके दूसरा पैर निकाल लिया है। सॉरी। फिर अभी ट्रे बनाएंगे। ट्रे हमें थोड़ा सा ही बनाना है, पहले बीच में दूसरा हमारा जोकर बराबर आ जाना चाहिए, उसके बाद में हम सबसे आखिरी में फ्रूट्स निकालेंगे। तो अभी दूसरा जो है, पहले उसके हाथ निकाल लेंगे, यानी हमें अच्छे से बाकी का जो उसका पूरा उसकी बॉडी है वो निकालने में आसानी हो जाएगी। तो अभी हम वो पहले हाथ निकालेंगे। देखिए, वो पीछे से उसने पकड़े, उसके हाथ पीछे हैं एक्चुअली, इसलिए वैसे दिखाना है तो पहले मैंने हाथ बना लिया। अभी हाथ बनाने के बाद उसकी ऊपर की गले की फ्रिल है वो बनाई, और फिर उसका मुँह, हम मुँह बनाएंगे। देखिए, ये ऐसा उसका पेट है, ये थोड़ा हेल्दी जोकर है इसलिए थोड़ा
हेल्दी बनाना है हमें। बीच की लाइंस हम बाद में भी इरेज कर सकते हैं। इसकी भी फ्रिल है कपड़ों के ऊपर, इसलिए वो फ्रिल भी हम बनाएंगे। ये फ्रिल बनाने के बाद हम अभी उसका मुंह बनाना है हमें। तो देखिए ये ऐसी फ्रिल हो गई, अभी मुंह बनाएंगे, उसकी हेड बनाएंगे। ये उसका कान है, फिर उसका मुंह आ जाएगा। ये उसका नाक है, बड़ा सा नाक है। तो होने के बाद उसकी आँख निकाल ली हमने और फिर कैप बनाएंगे। कैप बनाने के बाद देखिए ये पीछे से भी जैसे पहले वाले जोकर को बनाया था वैसे ही इसकी भी कैप आएगी, तो ये पीछे आ जाएगा। देखिए ऐसे निकालना है, आप नीचे उसको ऐसे गोल भी रहता है वो भी निकाल सकते हैं। तो अभी ये हमारा आधा हो चुका है, अभी इसके पैर निकालेंगे हम। बहुत ही क्यूट है ये, मुझे बहुत पसंद है ये वाला ड्राइंग, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये बनाने के लिए सोचा था, इसलिए अभी ये हम कंप्लीट करेंगे। देखिए ये होने के बाद इसके अभी पैर निकालने हैं, वहाँ पे भी फ्रिल आएगी उसके जैसे पहले वाले जोकर के कपड़ों में थी, इसकी भी ऐसी आएगी फ्रिल। उसके बाद उसके ये दो पैर अभी निकालेंगे। इसके भी पैर में बहुत बड़े जूते हैं, वो भी वैसे ही बनाने हैं हमें। देखिए ये ऐसा जूता है और दूसरा भी हम वैसे ही पैर में जूता बनाएंगे बड़ा वाला। देखिए ये दूसरा हमारा जूता भी वहाँ पे आ जाएगा। अभी ये होने के बाद हम बीच में जो है वो एक एप्पल बनाएंगे, हाँ एक एप्पल पहले बना लेंगे, उसके बाद एक पपाया बनाएंगे और दोनों तरफ ग्रेप्स रहेंगे। तो ये एप्पल बना लिया मैंने। फिर उसके बाद वहाँ पे एक पपाया बनाया, देखिए ये ऐसे आ गए, और ग्रेप्स ग्रीन वाले सामने हैं और पीछे वाले इसमें पर्पल वाले हैं, तो वो भी बनाएंगे हम। देखिए यहाँ पे एक मैंने ग्रीन वाले ग्रेप्स का बंच बनाया बना रही हूँ मैं, आप भी बनाइए। ये बनाने के बाद पीछे
ये ट्रे के पीछे से ये आ रहा है, इसलिए ट्रे हमें दिख रहा है। और ये जो पर्पल वाला जो ग्रेप्स का जो गुच्छा है यानी बंच है, वो ट्रे के सामने से है, इसलिए ट्रे के ऊपर हम निकालेंगे। देखिए देखिए, ये ऐसे सामने से दिख रहा है, वो उसको एक फ्लावर सॉरी एक पत्ती ऊपर हम निकालेंगे। देखिए ऐसे पत्ती निकाल लेनी है, लीव्स, फिर ये ऐसे लीव्स मैंने कंप्लीट कर ली है। तो अभी ये हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको इसको पूरा कंप्लीट करके उसके दोनों जोकर कंप्लीट कलर करके बताती हूँ, और फिर बीच का जो है वो मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। बहुत ही आसान है ये, आप भी करके देखिए। अभी हम मैं ये कंप्लीट करती हूँ। देखिए ये मैंने दोनों जोकर कंप्लीट कर लिए हैं, मैंने ऑयल पेस्टल्स यूज़ किए हैं। अभी देखिए ऑयल पेस्टल्स मैंने ले लिया है रेड वाला, और फिर वहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर बनाया है। वो स्क्वायर मैं वैसे ही छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा लाइट, कहीं पे भी जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट पे लाइट अगर गिरा तो वहाँ की जो जगह है वहाँ पे हमें कलर नहीं दिखता है, वहाँ पे हमेशा हम वाइट एकदम से दिखता है, इसलिए वो जगह मैंने छोड़ दी है। तो ऐसा ये कलर करते वक्त ध्यान रखिएगा। तो अभी ये हमारा एप्पल मैंने कलर किया है, इसमें शेडिंग के लिए देखिए ये ग्रीन भी मैं पत्ते का कलर दे दूँगी, और अगर आपको चाहिए तो ग्रीन रेड के ऊपर आप येलो थोड़ा सा शेडिंग भी दे सकते हैं। उसकी डंडी जो है वो हम ब्राउन कर देंगे। इसके बाद हम ग्रेप्स है, ग्रेप्स के लिए देखिए मैंने ग्रीन कलर ले लिया है। वहाँ पे भी वैसे ही छोटे छोटे स्क्वायर छोड़ देने हैं, और बाकी का कलर करना है हमें। ऑयल पेस्टल्स अगर आपने यूज़ किए तो एक ऑयल पेस्टल के ऊपर अगर दूसरा दिया तो शेडिंग बहुत अच्छा आ जाता है, इसलिए हम वैसे कलर करेंगे। देखिए ये यहाँ पे मैंने वहाँ पे भी वैसे ही उसके ऊपर भी लाइट आ रहा है, इसलिए थोड़ी थोड़ी जगह मैंने छोड़ दी है। अभी फेंट ग्रीन कलर लेती हूँ मैं, और फिर हम वो कलर करेंगे। देखिए ये ऐसे वो जो लाइन है उसके ऊपर अगर हमने कलर किया तो बहुत ही प्यारा दिखता है, और वो एकदम से मिक्स हो जाता है तो बहुत ही क्यूट लगता है वो। देखिए ये ऐसे हमें कलर करना है। सॉरी, ये होने के बाद थोड़ा सा डार्क ग्रीन भी एक एक लाइन हम वहाँ पे दे देंगे ग्रीन के ऊपर, यानी वो ग्रेप्स भी और अच्छे दिखेंगे। एक्चुअली उसको शेप आ जाता है अगर एक लाइन थोड़ी सी ऐसी हमने सर्कल में दे दी। देखिए ऐसे सेमी सर्कल में थोड़ा सा दे दिया तो वो ग्रेप्स की जो डेप्थ बोलते हैं या फिर उसका जो वो शेप जो है वो सर्कल है, ये दिखने के लिए हम ये ऐसे देते हैं डार्क ग्रीन कलर। तो अभी ये ग्रेप्स हो गए हैं हमारे। अभी हम ये पपाया कलर करेंगे। पपाया कलर करने के लिए पहले मैंने येलो कलर दे दिया है। ये होने के बाद हम ग्रीन दे देंगे, और आपको चाहिए तो आप थोड़ा सा ऑरेंज भी बीच में दे सकते हैं, वो भी चल जाएगा।
फिर से येलो अगर हमने उस पे लिया तो वो मिक्स हो जाता है। ऑयल पेस्टल्स बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और शेडिंग बहुत प्यारा दिखता है ऑयल पेस्टल्स में। अभी हम लेफ़्ट साइड के जो है वो पर्पल कलर करेंगे, उस पे भी वैसे ही हमें पहले तो ग्रीन पत्ती आसानी है, आसानी से वो कंप्लीट हो जाएगी। ये हो गई है, अभी पर्पल कलर लेके हम वैसे ही एक एक स्क्वायर छोटा छोटा उस पे छोड़ देंगे। इसको थोड़ा सा ब्लू कलर लग गया था वो मैंने निकाल दिया है, अभी हम अभी ये कलर करेंगे। वैसे ही मैं स्क्वायर थोड़ा थोड़ा एक एक छोटा छोटे जगह छोड़ने वाली हूँ। थोड़े से डार्क और थोड़े फेंट ऐसे हम कलर करेंगे, इसलिए मैंने कुछ फेंट ले लिए हैं, कुछ डार्क ले लेंगे। देखिए ये जो डार्क कलर किया है उसके ऊपर अगर आपने थोड़ा सा पेंट ले लिया तो भी वो अच्छा दिखेगा। देखिए हमारा बहुत ही प्यारा लग रहा है ये भी बंच ग्रेप्स का। देखिए ये हो चुका है हमारा। अभी इसके ऊपर भी हम जो पर्पल है मैंने जैसे बोला उसके ऊपर हम थोड़ा सा डार्क के ऊपर लेके फिर उसको आप देख सकते हैं थोड़ा सा पर्पल लग गया है, तो उसी से हम जो फेंट वाले ग्रेप्स है उसके ऊपर कर देंगे तो थोड़ा सा शेडिंग वैसे ही उसमें आ जाएगा, तो वो बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो ऐसे हमारा ये ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही क्यूट लग रहा है। आप भी ज़रूर करके देखिएगा। देखिए ये ऐसे बीच बीच में स्क्वायर ले लिया है इसलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। तो अभी ये सिर्फ ट्रे रह गया था, वो कोई भी कलर का आप दे सकते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू बच्चों, बाय।